मार्क तो हल्का सा कम है भाई, हम 10 में से 10 तो दूंगा नहीं। देखो भाई मुझे पता था, मुझे पता था ये जो बड़े वाले जज है ना, तो मुझे फाइनल 10 में से 10 दे नहीं सकते। मेरे बच्चे तो फाइनल कर दिए, मैं तो इधर से जीत गई। उधर से बता कितना दोगे? 8 नंबर दूंगा मैं। टू माय चैनल नीलम अन्ना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग फरा बनाने का है। आज मैं बना रही हूँ फरा, और वो भी हमारे यहाँ ऐसे होली के पहले, करवा चौथ से शुरू होता है, होली तक बनता है। होली के पहले आप बना खा लो, नहीं तो उसके बाद पूरी साल नहीं बनाया जाता है, ऐसा मानते हैं। तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो और कई बार बनाई थी मैं, लेकिन अब की बार लास्ट होगा, या फिर एक आध बार होली तक हो सकता है और बना लूँ। तो आज मैं वही बनाऊंगी फरा। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, आटा और दाल का बनता है? चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, तो ये है चने का दाल जो कि मैं 4-5 घंटे भिगो के रखी थी, और ये उड़द का है। ये दोनों मैं पीसूंगी, और उसमें पीसने के बाद ये लहसुन, मिर्चा, जीरा, मर्च और हींग डालूंगी। और मैं पीसने वाली हूँ सिलबट्टे पे, क्योंकि सिलबट्टे जितना स्वाद अच्छा आता, सिलबट्टे पे पीसने पर अच्छा लगता है, वैसे मिक्सी पे पीस देंगे तो थोड़ा सा गीला भी हो जाता है और वो टेस्ट नहीं आता सिलबट्टे वाला। तो इसीलिए मैं मेहनत करके सिलबट्टे पे ही पीसूंगी। और इसके साथ बनाऊंगी मैं चटनी, और भी टमाटर, धनिया का, लहसुन मिर्चा उसमें भी डालूंगी। तो बिना चटनी के तो फरा बिल्कुल अधूरा लगता है, तो चटनी तो इसमें होना ही चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ दाल को पीसूंगी इस पे। इसमें हल्का सा नमक ऐड की हूँ ताकि दरदरा रहेगा तो पीस जाएगा, नहीं तो फिर पीसने में दिक्कत होगी। और ये है जीरा मिर्च में, इसमें इसको पीस लूंगी। तो पीस दिया, अब मैं इसको इसमें मिलाऊंगी। यार मेरा हाथ दर्द करने लगा, देखो लाल हो गया पूरा। अब इसको मिला के मैं अभी इसमें नमक ऐड मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अगर नमक मैं इसी टाइम डाल दूंगी फिर अभी। ये मैं गूंथ रही हूँ आटा, और ये देखिए एकदम खोलूंगी हाथ से, ना पूछो मैं इसको गूंथ रही हूँ। इससे इसके बाद किसी तरह से हाथ को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा इस आटे को गूंथने के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत गर्म पानी है, अभी मैं गैस ऑन ही की हूँ और बंद कर दे रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मतलब एकदम उबल रहा था। पहले गूंथ ली, डो भी बन गया। अब मैं इसको रखूंगी किसी पतले कपड़े में से ढक के, नहीं तो जब तक मैं इसको बनाऊंगी ना, बनाते बनाते बहुत जल्दी ड्राई भी होता है, ऊपर से सूखने लगता है। तो या तो मैं इसको पन्नी में रख दूं, या फिर किसी कॉटन कपड़े से ऊपर से मैं ढक दूंगी, तब बनाना शुरू करूंगी। और ये कढ़ाई में मैं रखी हूँ पानी, और इसमें कोई वैसे खट्टा चीज डाल देते हैं ताकि पानी उबले ना, और बर्तन भी निकालना पड़ेगा। एक कढ़ाई में मेरा पानी गर्म हो रहा है, और इसमें मैं डालूंगी एक खटाई, वैसे तो नींबू भी डाल सकते हैं, तो फिलहाल मेरे पास अभी नींबू नहीं है, तो मैं खटाई डालूंगी ताकि पानी भी नहीं उबलेगा और जो बर्तन है कढ़ाई ना, वो काला भी नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि मेरा ये चलनी जो है ना फरा बनाने वाला, ये बहुत बड़ा है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये रखा जाएगा कि जिस बर्तन पे ये आ जाए उसी बर्तन पे मैं रखूंगी। तो इस पानी नीचे उबलेगा, भाफ निकलेगा, और उसके बाद इसमें मैं फरा बना के रखूंगी, तभी बनेगा, ठीक है? और मुझे लगता है कि मेरा हाथ पर बहुत थक गई हूँ मैं सिल पे पीसने की वजह से। अगर मैं सिल पे नहीं पीसती ना तो मुझे इतना थकान नहीं लगता। तो ये मेरा मैं रख दी हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊंगी नमक। नमक मैं इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि लास्ट में ही नमक ऐड करेंगे, नहीं तो फिर पानी छोड़ने लगता है दाल जो है। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करके फिर फरा बनाना शुरू करूंगी। सो आप लोग देखिए, तो फाइनली मेरा सब तैयार हो गया। अब मैं बनाना शुरू करूंगी,
और ये इतना छोटा छोटा आटे की लोई लेके फिर मैं इसको गोली बना के चिपके ना इसलिए थोड़ा सा तेल लगाऊंगी हाथ पे और उसके बाद मैं ऐसे इसको आटे की लोई लेके इतना बड़ा बड़ा बनाऊंगी। और पहले मैं बना ले रही हूँ, बना के थोड़ा सा इकट्ठा कर लूंगी, जब ज्यादा हो जाएगा तब मैं भरूंगी इसको, इसमें मतलब दाल भरूंगी। तब ऐसे बना ले रही हूँ, बनाओ तो एक बार में खा लो तो अच्छा लगता है। बेल के उसके बाद किसी चीज से जैसे गोल आकार से फिर काट लो तब भी बन जाता है। तो मैं बेलूंगी नहीं, मुझे लग रहा है कि यही ऐसे ही बनाना इजी है, फटाफट जब तक बेलो काटो फिर फटाफट ऐसे ही बना लो। और मेरा आटा बहुत ही सॉफ्ट बना है भूनने की वजह से, क्योंकि मैं भून भी दी थी और पानी बहुत ज्यादा गर्म कर दी थी, मतलब एकदम उबल रहा था, तो इसलिए आटा सही बना है, बहुत मुलायम बना है। और ये मतलब वो ना हो जैसे सूखे ना आटा, तो मैं इसको पन्नी में रखी हूँ, टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो पन्नी में रखने से फिर सूखेगा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी सूखता भी है। तो मैं इतना बना ली हूँ, अब मैं इसमें करूंगी, ये देखिए ऐसे भरूंगी, तो इतना मैं भर चुकी हूँ इसमें, अब मैं इसको रखूंगी इस। तो ये मैं एक बार रखी हूँ इसमें और दोबारा रखूंगी, क्योंकि इसमें मेरी जगह है। और इसमें मैं दोबारा रखूंगी, एक बार फिल करके मैं रखी हूँ। ये चलनी इतना बड़ा है ना, अगर एक बार में भर दो तो बहुत ज्यादा एक बार में निकलेगा, लेकिन मैं क्या करूँ। अब मैं इसको फिर ढक देती हूँ, पता नहीं मेरा पानी ना कहीं खत्म हो गया होगा, क्योंकि बहुत तेज जल रहा है फिलहाल, अभी तो पानी की आवाज आ रही है मुझे। अब मैं फिर बनाऊंगी। फाइनली मेरा बन चुका है फरा, और अब मैं जा रही हूँ सबको देने खाने के लिए, देखती हूँ कि क्या रिएक्शन होता है, कैसा बना है। इतना मेहनत करने के बाद अगर अच्छा नहीं बना होगा तब तो समझो मेरा मेहनत बेकार है। और ये मैं रखी हूँ चटनी और ये है फरा, चलती हूँ अब सबको देती हूँ खाने। अब मुझे नंबर भी देना पड़ेगा, कैसा बना है पहले तो बताओ। अच्छा अच्छा बना है, और बाबू बताओ अच्छा बना है। बाबू तो देखो कैसा बना है, ठीक है खा के बताओ कैसा बना है। अब मुझे नंबर भी देना पड़ेगा, कैसा बना है पहले तो बताओ। अच्छा अच्छा बना है, और बाबू बताओ अच्छा बना है। बाबू तो मुझे 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे आप। 10 में से 10, वाह। और आपना वाह, इधर से तो इस पार्टी से तो मैं जीत गई। अब आप टेस्ट करके बताओ तो। लो वाह, 8 नंबर देंगे भैया ये। बच्चे मेरी तारीफ करते हैं। अरे थोड़ा सा नमक कम है, कुछ कम है तो बता दो ना। तो नमक तो कम है भाई। अच्छा बोल देते तो क्या हो जाता। अच्छा थोड़ी ना है। चलो तो एक्चुअली गाइस मेरा फाइनल हो गया, मेरा मेहनत यानी कि मेरे बच्चे
एक्सेप्ट कर दिए, इतना मेहनत से बनाई हूँ, कम से कम अच्छा बना या ना बना, लेकिन बोल तो रहे हैं कि अच्छा बना है ना बेटा, 10 में से 10 दूंगा है ना। लेकिन मेरे पद्देव जी तो बोल रहे हैं 8 दूंगी। ठीक है, एक तरफ से इस पार्टी से तो मैं जीती हूँ। तो समझे, तो मैं भी इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। खुद को तो मैं दूंगी। आज नमक इससे ज्यादा सब्जी में नहीं खाते हो नमक ना, और इसके लिए कर रहे नमक कम है, ज्यादा है, कम नहीं कम है। मैं चटनी के साथ नहीं खाया ना, इसलिए हमें कम लग रहा था। अच्छा, लेकिन इतना सही है समझे, नमक ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए उसे। लेकिन बहुत मुलायम है अभी। लेकिन यार थोड़ा सा तारीफ तो कर दिए होते। तारीफ तो सही है, लेकिन मुलायम है अभी वो। लेकिन बना बहुत अच्छा, कसम से मैं अपनी तारीफ, खुद अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बना है वास्तव में। बना तो है। सो गाइस, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। यही वीडियो, अपना ब्लॉग यही वीडियो समाप्त करती हूँ, ठीक है।